टॉप 3 ग्लिच इन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। और सच बताऊं गाइस, ये वाली ग्लिच इतने ज्यादा असम है कि इस ग्लिच को देख के आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, ब्यूटीफुल। तो इस वाले ग्लिच को ट्राई करने के लिए आपको सिंपली से कोई भी प्लेस के ऊपर आ जाना है, आपको 4x9 डायल करना है। इसके बाद आपकी बुलेट बाइक आ जाएगी। आपको एक बुलेट बाइक नहीं लेनी, कम से कम आपको 4 से 5, या आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैं इस समय लेने वाला हूँ कम से कम 10 बाइक्स लूँगा, तो मैंने दोबारा से इसको ले लिया है। अब मेरे पास 2 मोटरसाइकिल होगी, ऐसे करके आपको 5 से 10 मोटरसाइकिलें ले लेनी है। और जो आखिरी वाली मोटरसाइकिल है इसको थोड़ा मैं सही करके लगा देता हूँ। आप बुलेट ली है मैंने, आप कोई सी भी बाइक के साथ ये वाला ग्लिच ट्राई कर सकते हैं। तो भाई मैंने इतनी देख सकते हैं भाई, सारी जितनी है मैंने बुलेट ली हुई है, और बुलेट मोटरसाइकिल भाई काफ़ी अच्छी है भाई इस गेम में। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर बैठ जाना है, और जैसे ही आपका कैरेक्टर हेलमेट पहनने लग जाए वैसे ही आपको यहाँ से उतर जाना है। एग्जिट वाला बटन दबाएंगे तो देख सकते हैं भाई इसका हैंडल मुड़ने लगा है। अब जैसे ही हेलमेट उतार दे तो आपको दूसरी वाली बाइक के ऊपर जाना है, और सिंपली से आपको फिर से वैसे बैठ जाना है। अब जैसे ही आपका कैरेक्टर फिर से हेलमेट डालने लगे तो आपको तुरंत उतर जाना है। उतरने के बाद भाई आप देख ही सकते हैं, कुछ आपको पता ही लग गया होगा कि हमारी बाइक का हैंडल जो है अपने आप हिल रहा है। ऐसे भाई तीसरी बाइक, ऐसे चौथी बाइक, करते करते आपको सारी बाइक्स के ऊपर ये वाला ग्लिच ट्राई कर देना है। और ये वाला ग्लिच लगने के बाद भाई आप देख ही सकते हैं जितनी सारी भाई बाइक से हमारी बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं, और आप कोई सी भी बाइक अगर चलाएंगे तो भाई आपके साथ सारी बाइक्स चलेंगी। तो चाहे देख सकते हैं भाई, ओ भाई साहब, अबे भाई मैं एक बाइक चला रहा हूँ लेकिन भाई जितनी है भाई सारी बाइक्स चल रही हैं बुलेट। भाई ये वाला ग्लिच तो भाई काफ़ी ज़्यादा भाई इस गेम में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा गेम है। तो भाई एक और ग्लिच इसके साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो हम लोग पहले कर चुके थे, लेकिन आपको इसके साथ एक ले लेनी है रैम्बोर्गिनी। और लैम्बोर्गिनी का भाई चीट कोड है 4x3 डायल करेंगे, और आपको कुछ नहीं करना है भाई, सिंपली से इसके अंदर जैसे ही बैठेंगे तो देख सकते हैं भाई मैं लैम्बोर्गिनी चला रहा हूँ, और देख सकते हैं भाई, ओ भाई साहब बुलेट अपने आप चल रही है भाई, अबे भाई बुलेट अपने आप चल रही है, और देखिए भाई कितनी दूर निकल चुकी हैं। और इसको ढूंढने की कोशिश करूँगा, मुझे तो नहीं लग रहा ये मिलेंगी, और कहाँ गई भाई, भाई इधर उधर ढूंढ लिया भाई, पूरे सिटी में नहीं मिल रही है बुलेट भाई। अरे भाई एक मिली है भाई, सिर्फ एक मिली है, और बाकी सब कहाँ चली गई। अबे भाई साहब, भाई इस लैम्बोर्गिनी की स्पीड कम लग रही है, तभी करके भाई वो आगे निकल चुकी है, लेकिन ये रह गई थी पीछे, तभी नहीं ढूंढ पाए हैं। कोई बात नहीं, कैसे हम इसको ढूंढते हैं और देखते हैं। अगर भाई आपको ये वाला ग्लिच अच्छा लग रहा है तो भाई इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो इसकी भाई एक ही बुलेट मिली, कोई बात नहीं, इस बुलेट के अंदर बैठ के हम लोग दूसरी बुलेट को ढूंढेंगे और देखने वाले हैं कि ग्लिच हमारा किस तरीके से चल रहा है। तो मैं तो इसको लेके जा रहा हूँ, और मुझे तो भाई नहीं लग रहा है कि मिलेंगे बुलेट, लेकिन आपको इस ग्लिच का पता तो लग गया है। तो भाई चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वाले ग्लिच की तरफ, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, तो मिथ 2। तो इस वाले ग्लिच ये तो काफ़ी छोटा है, आप जैसे अपने कोई भी जगह पे जाके आप अगर ट्रेन का हॉर्न लगाएंगे तो आपको हॉर्न उसका सुनेगा। तो देख सकते हैं भाई, सुन रहे हैं ना हॉर्न। तो ये वाला ग्लिच भाई ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्लिच है, आप कहीं भी चले जाइए लेकिन आप ट्रेन का हॉर्न आपको वहीं से भी सुनेगा। तो ग्लिच 3 की तरफ चलते हैं। तो इस वाले ग्लिच को ट्राई करने के लिए आपको कोई भी सिंपली खाली प्लेस के ऊपर आ जाना है, आपको 50-50 डायल करना है। तो भाई ये वाला ग्लिच जो है 3 ग्लिच का एक जैसे ग्लिच है। तो आपको करना है डायनासोर लेने के बाद आपको इसके ऊपर एक ले लेनी है साइकिल। भाई ये वाला ग्लिच बताऊँ किसी ने भी भाई इस गेम में इसको ट्राई नहीं किया होगा। तो आपको डायनासोर और साइकिल को एक साथ ले लेना है। इसके बाद एक और चीट कोड डायल करना है जो कि है हॉर्स का। हॉर्स को कुछ आपको इस तरीके से डायल करना है कि ये जो है डायनासोर के टेढ़ा खड़ा हो, जिस तरीके से भाई तीनों ऑप्शन आपको एक साथ आ जाएं। तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ वैसे ही सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। तो देख सकते हैं भाई मैंने तीनों को मंगा लिया, और भाई देखना जब इन तीनों का भाई एंटर बटन दबाऊंगा, एंटर बटन दबाते ही स्काईफॉल आपको लगाना है, जिसका चीट कोड है 1120। और जैसे ही आप ये 3 और 4 चीज़ों को एक साथ लगाएंगे तो देखना भाई बूम। अबे भाई साहब, भाई अपना कैमरा एक जगह पर स्टेबल हो गया है। तो भाई ये भी ग्लिच काफ़ी तगड़ा है। तो चलते हैं लास्ट ग्लिच की तरफ। भाई ये वाला ग्लिच बताऊं तो भाई इस गेम का भाई मुझे काफ़ी तगड़ा वाला ग्लिच लगा है भाई, ये वाला भाई काफ़ी तगड़ा है। तो आपको करना है एक एरोप्लेन ले लेना है जो कि 555 से आएगा। अब इसके थोड़ी दूर बाद आपको एक घोस्ट राइडर बाइक ले लेनी है जो कि 4x5 डायल करने से आएगी। अब क्या करना है, आपको इस घोस्ट वाली बाइक को लेके जाना है, एरोप्लेन से टकराना है। जैसे ही आप लोग टकराएंगे तो भाई ये तो ब्लास्ट हो जाएगा एरोप्लेन, लेकिन भाई ये ग्लिच नहीं। अबे भाई अपना कैरेक्टर कैसे गिर गया, अबे भाई ये वाला ग्लिच नहीं, ग्लिच को इससे बाद होगा। बस जैसे ही आप लोग एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे और देखना भाई, वो देख सकते हैं भाई अपना जो एरोप्लेन है भाई, हमने तो वो वाला लेकिन ब्लास्ट करा था, लेकिन ये वाला जल रहा है एरोप्लेन के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर, सॉरी यार।
तो देख सकते हैं भाई अपना जो ये वाला एरोप्लेन है वो जल रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। मैं आपको इसको चलाकर भी दिखा देता हूँ कि ये सही सलामत है, फिर भी भाई इसके आगे से आग निकल रही है। तो चलते हैं इसको चलाते हैं, और भाई चल रहा है चल रहा है। मुझे लग रहा है ये वाला जो है न्यू अपडेट में इसको सही कर देंगे, जहाँ तक भाई मुझे लग रहा है। और भाई मैं इसको दोबारा से इसको घुमा के लाने वाला हूँ, वापस देखते हैं भाई। तो मैं इसको इसके ऊपर लेके आ चुका, और भाई देख सकते हैं दोबारा से भाई अपना एक एरोप्लेन फिर से आ चुका है, और भाई उसके ऊपर भी आग लगी हुई है भाई। अबे भाई ये कैसा भाई ग्लीच है भाई, ये काफ़ी गजब ग्लीच है भाई। तो भाई देख सकते हैं भाई अपनी जो गोस्ट राइडर बाइक है वो तो भाई जल रही है, लेकिन ये वाला एरोप्लेन कैसे जला, मैंने तो इसको ब्लास्ट भी नहीं किया था। तो भाई इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।